Lecture we will discuss about course detail, course objectives and course outcome. Okay, so let us start with the basic information of the course. Okay, so basic information of this course, is a term work. Okay, so this is the student centered course, or this is term work where electrical engineering, mechanical engineering and computer science and engineering students of electrical engineering, mechanical and computer science engineering will learn this course. So ये कोर्स जो है टर्म वर्क है स्पोर्ट्स स्टैंडो का, जो बता दिया मैं, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 200110 है और सेशन 2020-21 का है ना? कोर्स डिटेल पे आते हैं। कोर्स डिटेल में तो बता दिए कि स्पोर्ट्स एंड योगा है, एक टर्म वर्क पेपर है, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को पढ़ना है, इसमें ये आपका सब्जेक्ट कोड है, इसमें पीरियड्स एक सप्ताह में दो पीरियड्स होंगे। ओके, तो उसके बाद जो है कि मार्क्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, जो इंटरनल एग्जामिनर इसको चेक करेगा, ये सेशनल कॉपी जो आप टर्म वर्क की कॉपी बनाइएगा उसमें 7 नंबर में से वो इवेलुएट करेगा और आपको मार्क्स असाइन करेगा। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर वो 18 मार्क्स में से आपको इवेलुएट करके मार्क्स असाइन करेगा और टोटल जो फुल मार्क्स इसका होगा वो 25, और जो पासिंग मार्क्स होगा इस पेपर में 10 मार्क्स होगा। ठीक ना, एक कॉपी 2 टाइम्स चेक होगा, एक इंटरनल कमिटी द्वारा, दूसरा बार एक्सटर्नल कमिटी द्वारा, और एक पेपर 2 क्रेडिट का है एक कोर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स, इसका उद्देश्य क्या है इस कोर्स का? तो पहला है टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड हेल्थ एंड फिटनेस प्रिंसिपल्स एज दे रिलेटेड टू बेटर हेल्थ। यानी छात्रों के बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित साउंड हेल्थ फिटनेस प्रिंसिपल के महत्व को समझाना इसका उद्देश्य है। साउंड हेल्थ और फिटनेस प्रिंसिपल है उसके महत्व जो है उसको समझाना इसका उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू ए वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड योगिक एक्टिविटी एम्ड एट stimulating their continued inquiry about yoga, physical education, health and fitness। yani jo dusra iska objective hai wo ye kehta hai ki jo yog, sharirik shiksha, swasth aur fitness ke bare mein continuous inquiry ko prosahit karne ke uddeshya se students ko vibhin prakar ke sharirik aur yogik gatividhiyon ke liye prerit karna। yani stimulating their continued inquiry, ना? उनके जो है लगातार उनकी इंक्वायरी, उनके जांच पड़ताल के लिए इन सारी चीजों के संदर्भ में प्रेरित करना उनको। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए सेफ प्रोग्रेसिव मेथोडिकल एंड इफिशियंट एक्टिविटीज बेस्ड प्लान टू एनहांस इंप्रूवमेंट्स एंड मिनिमाइज रिस्क ऑफ इंजरी। अर्थात कि सुधार को बढ़ाने और रिस्क ऑफ इंजरी, जो चोट का किसी प्रकार की घटना की जो रिस्क है उसको कम करने के लिए एक सुरक्षित, प्रगतिशील और कुशल गतिविधि आधारित योजना बनाना इसका उद्देश्य है। एंड फोर्थ इज टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स एंड अप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एज ए लाइफ टाइम परसूट एंड ए मींस टू बेटर हेल्थ। यानी छात्रों के बीच लाइफ टाइम कामकाज और बेहतर स्वास्थ्य के साधन के रूप में जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो शारीरिक गतिविधि है, उनका अप्रिसिएशन डेवलप करना तथा उद्देश्य लोगों के बीच में। अब आते हैं कोर्स आउटकम्स की, क्या कोर्स आउटकम होगी, क्या एबिलिटी इससे निर्धारित किया गया है स्टूडेंट के बीच में। ओके, सो जो कोर्स आउटकम फर्स्ट कहता है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू,
यानी जैसे ही ये कोर्स सफलतापूर्वक कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट्स के अंदर किस प्रकार की एबिलिटी आएगी। तो पहला एबिलिटी जो आएगी स्टूडेंट के बीच में वो ये आएगा कि प्रैक्टिस फिजिकल एक्टिविटीज एंड हठ योगा फोकसिंग ऑन योगा फॉर स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलैक्सेशन, अर्थात शक्ति फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन और रिलैक्सेशन दैट इज विश्राम के लिए योग पर ध्यान केंद्रित करने वाली शारीरिक गतिविधि एवं हठ योग का अध्ययन करना। हठ योग जो ये आएगी अध्ययन करने। सेकेंड पॉइंट है नेक्स्ट दैट इज लर्न टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंड डिक्रीजिंग एनर्जिटी विच लीड्स टू ए स्ट्रॉन्गर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी लर्न टेक्निक्स यानी एकाग्रता बढ़ाने और चिंता कम करने की तकनीक सीख लेंगे वे, जिससे कि मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन होता है। यानी जो लर्न टेक्निक्स टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, कैसे वो टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, एनर्जिटी को यानी जो चिंता है उसको कम किया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्गर एकेडमिक परफॉर्मेंस में एक अच्छे और मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन के रूप में परिलक्षित हो उसका रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्न ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड हेल्दी फिटनेस एक्टिविटीज, यानी सांस लेने के व्यायाम और हेल्दी फिटनेस एक्टिविटीज वो जान लेंगे। इसके बाद सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, जो कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, देन नेक्स्ट है यूज बेसिक स्किल्स एसोसिएटेड विद योगा एंड फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यानी योग और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े बुनियादी कौशल को किस तरीके से यूज करना है, जिससे कि जिसमें कि ताकत और लचीलापन संतुलन एवं समन्वय दोनों शामिल, ये स्किल उनके अंदर आ जाएगा कि हाउ टू यूज द स्किल्स एसोसिएटेड विद योगा एंड फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें कि स्ट्रेंथ है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, बैलेंस है एंड कोऑर्डिनेशन है, यानी संतुलन और समन्वय है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है परफॉर्म योगा मूवमेंट्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड फॉर्म्स। यानी विभिन्न योजनाओं और रूपों में योग की गतिविधियों को करने की योग्यता आ जाएगी फॉर्म्स में इसके कंप्लीशन के बाद। देन एसेस करेंट पर्सनल फिटनेस लेवल, ओके ये उसके बाद जो है कि वर्तमान जो पर्सनल फिटनेस लेवल है, जो व्यक्तिगत का फिटनेस लेवल है, उनको एसेस करने, उनको आकलित करने की योग्यता आएगी। इसके बाद देन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन इन योगा एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। उसके बाद जो है कि योग और खेल गतिविधि में भाग लेने की जो अवसर है उनको पहचानने का आपको मौका मिल जाएगा कि आप उसका पार्टिसिपेशन का क्या महत्व है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, हाउ कैन टेक यू पार्टिसिपेट, आई कैन यू पार्टिसिपेट इन दैट पार्टिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू योगा एंड स्पोर्ट्स। तो ये चीज जानने की आपको मौका मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करने की अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद है डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स लाइक दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी endurance, flexibility and body composition etc. That means health संबंधी fitness घटकों की समझ विकसित कर करने का जो आपके अंदर योग्यता आएगी, उसमें चाहे वो cardio respiratory endurance से संबंधित है, flexibility से संबंधित है, body composition से संबंधित है, तो ये सारी चीज। Then improve personal fitness through पार्टिसिपेशंस इन स्पोर्ट्स एंड आयोगिक एक्टिविटीज। यानी जो नेक्स्ट कहता है कि खेल और यौगिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से पर्सनल फिटनेस में सुधार करने की योग्यता ना, इम्प्रूव पर्सनल फिटनेस, किस तरीके से आप अपने पर्सनल फिटनेस को में इम्प्रूवमेंट लाइएगा
योग और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके ये योग्यता है। उसके बाद है डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एज एंड लाइफ स्टाइल, यानी उम्र और जो है जीवन शैली से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को की समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरीके से आप उसको बैलेंस रखिए, किस प्रकार से जो है कि क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है जो लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ और एज से जुड़ा हुआ उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, तो ये योग्यता। देन उसके बाद डेमोस्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेज एज रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी जो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य और शारीरिक प्रदर्शन से संबंधित जो साउंड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेज है, जो उचित पोषण का उपयोग करना है, उसका समझ आपके अंदर इससे डेवलप हो जाएगा कि व्हाट आई हैव टू टेक फॉर मेक आवर सेल्फ मोर फिट। ओके, तो ये सारी चीज थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एसेस योगा एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस वैल्यू। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि जो आपके अंदर नेक्स्ट स्किल जो इनकलकेट होगा इसके माध्यम से वो होगा कि आप जो फिटनेस मूल्य के संदर्भ में योग गतिविधियों को आकलित करने के योग्य हो जाइए, यानी जो योग की गतिविधि है उसका आप जो मूल्य आप एसेस कीजिएगा, आकलित कीजिएगा वो इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, यानी फिटनेस के सेंस में कीजिएगा। उसके बाद जो है जो सेकेंड लास्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज कोर्स आउटकम है, वो है आइडेंटिफाई एंड अप्लाई इंजरी प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू योगा एंड फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज, यानी योग और शारीरिक फिटनेस गतिविधियों से संबंधित जो चोट निवारण सिद्धांतों को पहचानने और लागू करने की योग्यता में आ जाएगी, यानी आइडेंटिफाई एंड अप्लाई इंजरी प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, यानी चोट निवारण सिद्धांत को जो योग से रिलेटेड है उनको पहचान कर लागू करने की योग्यता आ जाएगी। एंड फाइनली अंडरस्टैंड एंड करेक्टली अप्लाई बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, यानी व्यायाम और प्रशिक्षण से संबंधित जैव रासायनिक और शारीरिक सिद्धांतों को समझने और सही ढंग से लागू करने की योग्यता आ जाएगी, ठीक ना। तो ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा वो सारी योग्यता जो हम लोग अभी लर्न किए वो सब योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। अब इसको एक्चुअली बहुत सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है किस तरीके से किसी पार्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है उसके लिए मैं हमेशा आपको डिफरेंट लेक्चर में बताते रहूंगा कि क्या करना है, और उसके लिए जो स्वयं पोर्टल पर और NPTEL के अंदर जो लेक्चर्स हैं 5-6 मिनट की जो जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज को करके दिखाया गया उसको हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी थ्योरेटिकल यहाँ पर लर्न करेंगे और किस प्रकार से टर्म वर्क को बनाना है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, राइटअप कैसे प्रिपेयर करना, ये सारी चीजों को मैं थ्रू आउट द सेशन बताते रहूंगा, हर लेक्चर में इसको बताऊंगा कि इस पार्टिकुलर सेशन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।